नमस्कार। प्यार मोहब्बत का नाम लेते ही होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और याद आती है किसी खास की। प्रेम की खुशबू वही महसूस कर सकता है जिसे जब किसी ने रूह से प्यार किया हो। प्रेम की खुशबू गुलाब जैसी नहीं है क्योंकि खुशबू ज्यादा देर तक रुक ही नहीं सकती। प्रेम की खुशबू उन सांसों की तरह है जिसे हम रोजाना जीने के लिए लेते हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। किसी खुशबू भरा, कोई भी खुशबू भरा प्यार अधिक देर तक नहीं रुकता। प्रेम की खुशबू तो सांसों की तरह है जो हमेशा साथ रहती है। इसी तरह प्रेम का स्वाद भी किसी वस्तु की तरह नहीं है। प्रेम का स्वाद तो पानी जैसा है जिसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन प्यास उसी से बुझती है और सुकून भी उसी से मिलता है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, उनके रोमांटिक नेचर के बारे में। अगर आपके साथी का यही साइन है और आप उनके साथ डेटिंग पर जाना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आपको एक अच्छा वक्ता और शांति से सुनना पसंद होना चाहिए, तभी आप वृषभ राशि से प्रेम कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले बहुत ही प्यार से अपने दिल की बात करते हुए शांति से डेटिंग करना पसंद करते हैं, जिससे ये अपने दिल की बात आसानी से सामने वाले से कह सके। ये लोग किसी पर अपना रौब नहीं दिखाते, ना ही बेकार की पैम्परिंग करना, छेड़छाड़ करना नहीं समझते। ये बहुत ही सौम्य तरीके से प्रेम को व्यक्त करते हैं। ये प्यार को लेकर एक बार कोई डिसीजन ले ले तो अपने मन को बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। बहुत ही जिद्दी किस्म के भी होते हैं। इनका प्रेम करने का तरीका बहुत ही संवेदनशील और रोमांटिक होता है। भावनात्मक रूप से बहुत सौम्य, स्नेही और रोमांचक भी होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसी को अपना सब कुछ समझते हैं और उन्हें अपना सब कुछ समझकर अपने दिल की बात भी कह देना चाहते हैं। ये बाहर से जितने कॉमन और स्नेही होते हैं उतने अंदर से खतरनाक भी होते हैं। इनके साथ धोखा करने वाले को ये कभी माफ नहीं करते हैं। जहां ये अपनी मन की बात आसानी से कह पाए, आराम से कुछ पल बिता पाए, बस वही जाना पसंद करते हैं। इनको डेटिंग पर जाने के बाद खुद को अधिक दिखाना पसंद भी नहीं करते हैं, बस अपना हंसता और मुस्कुराहट भरा चेहरा ही रखते हैं। ये अपने साथी के साथ स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं और बिना हिचक से उसे बच्चों की तरह प्रेम करना चाहते हैं। ये प्रेम में बहुत ही सेंसुअल और सॉफ्ट रहना चाहते हैं, जिससे प्यार करने के तरीके में इनकी समझदारी झलकती है। लेकिन उनके साथ हल्का सा धोखा हो तो अंदर से छिपा हुआ गुस्सा और जुनून बाहर आ जाता है। ये लोग लव में गेम्स नहीं खेलते हैं, ना ही फ्लर्ट करते हैं। इनको ब्रेकअप या ओपन रिलेशनशिप पसंद नहीं है क्योंकि ये डीप लव चाहते हैं। इनकी राशि का स्वामी शुक्र लव में रोमांटिकता दिखाते हैं, हालांकि उनका रोमांस का रूप नॉर्मल होता है। अपने राशि के फिक्स नेचर की तरह ये नहीं सोचते कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। वे एक ही साथी के साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहते हैं। ये वादे के भी पक्के होते हैं, इसीलिए ऐसा कोई वादा भी खुद नहीं करते जो खुद पूरा ना कर पाए। वह एक ही रिश्ते में क्लोजनेस और स्टेबिलिटी रखते हैं क्योंकि जिसके करीब जाते हैं उसे हल्के में नहीं लेते हैं। वे प्यार में उतावले भी नहीं होते हैं और ना ही फ्लर्ट करने वाले होते हैं। ये अपने लव के साथ हर तरह से इंजॉय करना चाहते हैं। जो लोग ओल्ड फैशन और पोलाइट होते हैं वही इनके साथ रिश्ते को निभा सकते हैं। वृष राशि के व्यक्ति ओपन रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करते हैं। वह एक वीणा के संगीत की तरह और एक पेंटिंग बनाने की तरह स्लो लव में एंजॉय करते हैं, जिससे अपने साथी की सभी जरूरतों और चाहतों को अच्छे से ध्यान दे सके। इनकी राशि का जो साइन है वह बैल है, इसलिए थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। अगर आपका या आपके जानने वाले साथी का साइन टॉरस है तो आप इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि लिए आपके लिए उनको जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम अपने विषय को यहीं विश्राम देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।